राजीव राजीव गुप्ता, जिसने अभी अभी 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज ज्वाइन की है। बहुत सी आशा है और बहुत से ख्वाबों के साथ। कॉलेज के पहले दिन क्लास में बैठकर राजीव अपने ख्यालों में खो जाता है। वह सोच रहा था अपने फ्यूचर के बारे में, वह सोच रहा था अपने भूतकाल के बारे में। शुरुआत में राजीव कॉलेज से रूम पे जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता था और फिर शाम को दोस्तों के साथ बड़े ही आनंद से समय बिताता था। किंतु अब समय बीतने के साथ राजीव को पढ़ाई जच नहीं रही थी और उसे अब सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही दिलचस्पी हुआ करती थी। आज राजीव कॉलेज में की गई हुई एग्जाम्स की अनाउंसमेंट को लेकर बहुत बहुत ही चिंता में था। एक रात को राजीव को घर से फोन आता है और राजीव को यह जानकारी मिलती है कि उसकी माता को ब्लड कैंसर की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजीव टूट जाता है, पूरी तरह से हिल जाता है। राजीव उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। क्या वो घर पर जाकर अपनी माँ के पास रहे या फिर यहाँ रहकर अपनी 4-5 महीनों की पढ़ाई पूरी करे। इन दिनों राजीव अब टेंशन के कारण अकेला ही रहने लगा है। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। राजीव के दोस्त उसकी यह हालत देखकर बहुत ही चिंतित हो गए थे। वे राजीव को पानी देके उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। राजीव धीरे धीरे शांत होता है और उसके दोस्त बाहर जाकर सारी बात बताने के लिए राजीव को मनाते हैं। राजीव बाहर जाकर अपने दोस्तों को सारी बात कहता है। फिर उसके दोस्त डॉक्टर कुलश्रेष्ठा को राजीव के बारे में सारी बातें बताते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर कुलश्रेष्ठा राजीव को बात करने के लिए अपनी ऑफिस में बुलाते हैं। तुम्हारे दोस्त मुझे बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे तुम्हें कुछ परेशानी। जी सर, मैं थोड़े दिन से वो मुश्किल में हूँ सर। मैं क्या कहीं भी मटेरियल क्या हो सर, अभी एग्जाम आ रही है थोड़े दिन में, कुछ पढ़ा भी नहीं सर। सर घर पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी माँ को क्या मेरी माँ को सर ब्लड कैंसर हो गया है। तो सर मैं घर पर भी पढ़ नहीं पाता, उनका ख्याल रखूँ या मेरे एग्जाम का पढ़ूँ, मुझे सब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सर मुझे अभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मुझे जीने में कोई बस नहीं रहा सर। मैं
मैं किसी से बात करनी अच्छी नहीं लगती थी, मैं ठीक से रात को सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, कोई मुझे से बुलाया तो मैं जवाब भी नहीं दे पाता, गुस्से हो जाता उसे। क्या करूँ सर, आप ही मुझे बताए। देखो राजीव, तुमने पूरा जो बात है उसमें दो प्रॉब्लम है, कारण एक तो माँ की बीमारी और दूसरा है एग्जाम। अब पहली बात, तुम्हारे घर पे और लोग भी है जो उनकी देखभाल कर सकते, और अभी थोड़ा टाइम है तुम पढ़ सकते, और वैसे मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। कौन? तो तुम खुद। इसी बातचीत के दौरान डॉक्टर कुलश्रेष्ठा की कुछ बातें राजीव के दिल को छू जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। डॉक्टर एक्सार की बात भी कहते हैं कि इतना भी यकीन मत कर अपने हाथों की लकीरों पे, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसके बाद राजीव फोगट की चिंताएं छोड़कर फिर से पढ़ाई में जुट जाता है। उसके दोस्त भी उसकी पूरी मदद करते हैं। राजीव अब एग्जाम के लिए टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है। उसने अपने आप से, जी हाँ, अपने आप से जंग लड़ना सीख लिया है। उसकी यह मेहनत अब रंग लाती है, वह एग्जाम अच्छी तरह से दे पाता है और उसकी माँ की स्थिति भी अब सुधरने लगी है। अगर आप भी जीवन में राजीव की तरह परेशानी अनुभव कर रहे हैं तो इस कहानी की सिर्फ आपके लिए है।